नहीं, कालीन भैया का जो किरदार आपने वेब सीरीज में देखा है वो मिर्जापुर से कोई ताल्लुकात नहीं रखता है। उस पर तो खूब आपत्ति भी मिर्जापुर वालों को रहती है। मिर्जापुर का जो क्षेत्र है ये कालीन के बुनाई का क्षेत्र रहा है और हाई क्वालिटी के कालीन यहाँ बनते रहे हैं। जो असली पर्शियन कारपेट था उसकी जगह मिर्जापुर में खूब कारीगरी थे, लेकिन विगत कुछ वर्षों से, 10-15 वर्षों से हमारा जो सरकार की तरफ से सहयोग मिलना चाहिए था ड्रॉबैक के रूप में, लाइसेंस रोड टाइप के रूप में, उसमें कमी आई है। उसमें हम लोग की अपेक्षा है कि जो नई सरकार आएगी या जो वर्तमान सरकार है उस पर विशेष ध्यान देगी। अभी एक तो 43BH की समस्या आई पेमेंट की, तो वो 43BH का निर्यातक लोग विरोध कर रहे हैं कि हमको 45 दिन की सीमा में न बांधा जाए। 120 दिन का हम लोग उधार पे माल बेचते हैं, हमको कम से कम 180 दिन, 160 दिन की छूट मिलनी चाहिए। और वो अपेक्षा करते हैं नई सरकार से इस पे विशेष ध्यान देगी। और कालीन और दरी के जो रोड टैप और ड्राबैक है उस पे भी विशेष ध्यान देगी, ताकि हम चाइना, पाकिस्तान, ईरान से कंपटीशन कर सकें। दूसरा चीज, जो अंतर्राष्ट्रीय मेले लगते हैं उसमें छोटे निर्यातकों की भागीदारी बढ़ेगी, तो कालीन और दरी का विकास होगा। और कालीन दरी का जो उद्योग है वो मिर्जापुर के इकोनॉमी की रीढ़ होता था, लेकिन आज के समय में वो थोड़ा कमजोर हुआ है। लेकिन वर्तमान सांसद जो हमारी हैं, मैं उनका आभार भी व्यक्त करूंगा, अगर कोई अच्छा काम करती हैं, उन्होंने मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस से नवाजा है, और इसका हम लोगों को निकट भविष्य में उम्मीद करते हैं कि फायदा पहुंचेगा। और यहाँ पे जो अभी हमारे पूर्व लोगों ने कहा उद्योग की, मेटल का उद्योग है, उसमें भी विशेष ध्यान देने की दरकार है। बेरोजगारी इससे दूर हो जाएगी, कोई बड़ा उद्योग आएगा तो बहुत अच्छा है। लेकिन अनुप्रिया जी ने साथ साथ इस क्षेत्र का पिछले 10 साल में काफी हद तक विकास किया है। मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने विकास नहीं किया। उन्होंने चाहे यहाँ मेडिकल कॉलेज रहा हो, बिंद विश्वविद्यालय हो, बिंद कॉरिडोर हो, एक तो बहुत खराब सड़क की स्थिति थी डरामरगंज से लेके नारायणपुर तक की बनारस की, हम लोग आशा छोड़ दिए थे कि वो सड़क कभी बन पाएगी। उस पर लोग धान की रोपाई की बात करने लगे थे, लेकिन मैं उनको साधुवाद दूंगा कि अपने कार्यकाल में उन्होंने उसको 4 लेन में बना दिया। जो कोई अच्छा काम करे तो उसको साधुवाद भी देना चाहिए, उसका आभार भी प्रकट करना चाहिए। तो मैं अपने मिर्जापुर के नागरिक की तौर पे मैं उनके विकास कार्यों को अप्रिसिएट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, और उम्मीद भी करता हूँ कि अगर उनको दोबारा मौका मिलेगा तो मिर्जापुर पे उनकी नजर इनायत रहेगी। यहाँ की जनता की जो समस्याएं हैं उसको वो और मजबूती से दूर करेंगी। और आप लोग, हमें उजाला भाइयों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ आए हैं, और आपके माध्यम से यहाँ की जनता की भावना हमारे राजनेताओं तक पहुंचेगी। और मैं पुनः आप सभी को मिर्जापुर की जनता से अपील भी करूंगा कि वो अपने मताधिकार का 100% उपयोग करें, और जो गुणवत्ता के आधार पे जरूर वोट देंगे, और जो हमारे काबिल हैं उनको वोट देंगे। एग्जिट पोल 2024, 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, अमरउजाला.com।